सब्सक्राइब करें आस्था फूड चैनल को और पहले वीडियो की जानकारी के लिए बेल का बटन क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आस्था फूड चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पेस्ट्री, जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए हम देखते हैं हमें पेस्ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए। ये मैंने 3 ब्रेड ली है, वाइट ब्रेड है, विप क्रीम, डार्क चॉकलेट, कद्दूकस की हुई, टूटी फ्रूटी, आप कोई भी कलर की ले सकते हैं। और हमें ये चाहिए शुगर सिरप, जिसको मैंने 1 कप में 2 चम्मची चीनी घोल ली है, और पाइपिंग बेग चाहिए हमें। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ब्रेड के किनारे कट कर लेंगे। इस तरीके से चाकू से आप किनारे काट लें। इन किनारों को आप स्नैक्स में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने किनारे काट लिए हैं चारों तरफ से। अब हम एक ब्रेड लेंगे और जो हमने शुगर सिरप बनाकर रखी है उसको हम ब्रेड स्लाइस पर लगाएंगे। इस तरीके से हमें अच्छे से डालना है, जिससे हमारे ब्रेड मुलायम हो जाए। और अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे। ये देखिए, हमने क्रीम लगा ली है सारी। ब्रेड को अच्छे से कवर कर लेना है। अब हम इस पे टूटी फ्रूटी डालेंगे। मैंने 2 तरह की टूटी फ्रूटी ली है, ग्रीन एंड रेड। हम इस पे दूसरी स्लाइस रखेंगे और पहले की तरह इस पर भी हम शुगर सिरप डालेंगे। ये देखिए, अच्छे से डाल दी है। और फिर से हम क्रीम लगाएंगे और ये हमने सारी क्रीम लगा दी है। अब हम इस पे चॉकलेट डालेंगे, जो हमारी कद्दूकस की हुई रखी है, जिससे हमारे टूटी फ्रूटी और चॉकलेट दोनों का फ्लेवर आएगा। और ये खाने में बिल्कुल बाजार जैसी ही लगती है। ये हमने दूसरी स्लाइस रख ली है और इस पर भी हम शुगर सिरप डालकर और पहले की तरह ही क्रीम लगा देंगे। ये देखिए, ऊपर लगा दी है। हम इसको चारों तरफ लगाएंगे। अच्छे से हमें कवर कर लेना है। ये देखिए, हमने चारों तरफ क्रीम लगा ली है। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे, जिससे ये पेस्ट्री के शेप में आ जाएगा और हमारी 2 पेस्ट्री बन जाएंगी। ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका। कटने के बाद स्लाइसें दिख रही हैं। अब हम ऊपर इस पे चॉकलेट डालेंगे। इन दोनों पे हम चॉकलेट डाल लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से सारी चॉकलेट डाल दी है और साइड में भी लगाई है। और इस तरीके से हम पाइपिंग बैग से फूल बना देंगे इस पर। ये देखिए, और इस पर हम टूटी फ्रूटी लगाएंगे, जिससे देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। जिस तरीके से मार्केट में मिलती है उसी जैसी लगती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये। दूसरी पर हम ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी लगाएंगे। ये देखिए, हमारी यमी पेस्ट्री बनकर तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसको बनाने सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। थैंक यू।